आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तभी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धाका लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है। और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद।